नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं बेगूसराय के पूर्व मेयर संजय सिंह के साथ हूं और पूर्व मेयर से हमारे मिलने का एकमात्र मकसद ये है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं और वो काम कितना पूरा इस कार्यकाल में हुआ है, जो नए अभी जो वर्तमान मेयर हैं उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया या राजनीतिक हकमारी हो रही है। सराय वासियों के लिए जो नगर निगम के हर चीज़ को फॉलो करते हैं, टैक्स पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुविधा क्या मिलती है, ये देखिए सच्चाई है जो बेगूसराय नगर निगम वासियों को, और मैं सबसे पहले जिन्होंने इस बेगूसराय को नगर निगम बनाया, परम श्रद्धेय भोला बाबू को, उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। आज भले हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच इस बेगूसराय जो ये दिनकर की धरती है और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्म भूमि है, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जो इसको औद्योगिक नगरी के रूप में बनाया था, आज जीरो पे आके आउट है। बावजूद बेगूसराय नगर निगम की जहाँ तक बात है, तो बेगूसराय नगर निगम 2011 में जब इसका आकार बना तो उस समय बेगूसराय नगर निगम को लोग बेगूसराय का, इसको नरक निगम कहते थे, और 2 जून 2013 को जब मुझे इस नगर निगम का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने लोगों से ये वादा किया था जो 60 दिन के अंदर, 2 साल आपने देखा और 2 महीना के अंदर, अगर हम बेगूसराय के, तकदीर तो नहीं बदलूँगा क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, लेकिन इसके तस्वीर को बदल दूँगा, और अगर तस्वीर नहीं बदलेगा तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। मैंने लगातार 2 महीना 60 दिन तक गिनकर लोगों के बीच काम किया और उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम मीडिया के लोगों से बुलाकर पूछा जो क्या आप लोग हमारे कार्य से संतुष्ट हैं। लोगों ने कहा जो नहीं, आपने जो कार्य किया है इसी तरह कार्य कीजिए, और लगातार वो कारवा चला 2.5-3 साल। लेकिन ये जैसे कोई भी है, अगर घर में एक परिवार है और परिवार में बहुत चीज़ों की आवश्यकता है, तो अगर सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हम लोग अगर हमारे परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका इलाज सबसे पहले हम करते हैं, बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था हम करते हैं, तब कपड़ा, फिर मकान की बात करते हैं। तो उस समय जो बेगूसराय का जो जिसको पॉइंट को नरक निगम साक्षात दिखता था, जो बेगूसराय का ये कोड है, तो उसको हम एक बेहतर बनाने का प्रयास किया और उसी बेहतर प्रयास में लगातार जो भी कार्य बन फरा मैंने किया था, लेकिन ये नहीं है जो मैंने पूरा कार्य कर दिया, बहुत कुछ करना है। उस समय तक सिर्फ बेगूसराय को एक स्वरूप दिया गया जिससे लोगों को लगने लगा जो ने बेगूसराय नगर निगम जैसा दिखता है, बेगूसराय पूर्ण रूप नगर निगम का जैसा दिखने लगा, ऐसा कहीं कोई बात नहीं हुई थी। नगर निगम के काम को लोग कैसे समझेंगे, काम तो कुछ दिखता नहीं है और जो काम होता है उसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये आया कहाँ से, किस फंड से आया। आपको लगता है कि बेगूसराय में नगर निगम के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए? बेगूसराय नगर निगम 2013 जब हम बने थे, 2 जून 2013 को, उससे पहले शायद कोई आदमी नहीं जानते थे जो यहाँ राज योजना की भी कोई योजना आती है। मैं उस समय के, आज भी जो नगर विकास मंत्री थे सम्राट चौधरी जी, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, भले आज वो मंत्री नहीं हैं, उनके कार्यकाल में जो बेगूसराय को हिस्सा मिला, शायद कभी नहीं मिला, उन्हीं के कार्यकाल में बेगूसराय जो हमारा बस स्टैंड है उसके लिए 5 करोड़ की राशि उन्होंने आवंटन किया था और 4 करोड़ 32 लाख रुपये से उस बस स्टैंड का पुनर्निर्माण मेरे, जिसका शिलान्यास मैंने किया था, भले उसका उद्घाटन मेरे कार्यकाल के बाद हुआ, उन्हीं के समय 1.5 करोड़ का एक सम्राट अशोक भवन का बनना था, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण आज तक वो मामला फंसा हुआ है, लेकिन उसका टेंडर अभी हो गया है और 1.5 साल टेंडर होना भी हो गया वार्ड नंबर 17 में, लेकिन आज तक उस काम का शुरुआत नहीं किया गया है। वैसा ही मैंने एक सामुदायिक भवन लगभग 1.47 करोड़ रुपये का लाया था, जो वार्ड नंबर 20 जो नगर निगम का अपना जमीन है, और उस पर अभी के
विधानसभा अध्यक्ष और उस समय तत्कालीन वो जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी के कर कमलों से मैंने उसका शिलान्यास करवाया, लेकिन वो राजनीति के भेंट चढ़ गया, उसके जब स्थल को बदल दिया गया और स्थल बदल जाने के कारण वो जो है आज तक एक ईंट भी नहीं लगा, पैसा रखा रह गया। इसी तरह ये जो आप कहते रेन बसेरा का पैसा आया, मैंने रेन बसेरा बनाना भी शुरू किया बस स्टैंड में, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ उस जगह पर उन्होंने कहा जो ये बस स्टैंड का जगह है इस पे सिर्फ बस के लिए ही जो भी है पार्किंग रहेगा, हम यहाँ रेन बसेरा नहीं बनने देंगे। जिलाधिकारी को उन्होंने पत्र दिया, आवेदन दिया और उस आवेदन पर तत्काल उस कार्य को रोक दिया गया है। पैसा पड़ा हुआ है आज 4 साल से, कहीं भी उस रेन बसेरा की कोई चर्चा नहीं है। इस तरह और भी अनेकों कार्य हुए थे मेरे ही कार्यकाल में। आप सबसे देखिए जो हमारे श्री कृष्ण महिला कॉलेज, जहां पूरे जिला की बेटियां आती थी और वहां आप 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते थे। मेरी बेटियां लोग कहीं अगर गंदा जगह होता है तो नाक बंद करके जाते हैं, मेरी बेटी मेरी बहना जो थी वहां आंख और नाक दोनों बंद करके जाती थी। वहां उस कॉलेज के लोगों ने मुझे बुलाया और मेरा मुख्य उद्देश्य था जो इस जगह को मैं एक पार्क के रूप में डेवलप करूँ, उसका घेराबंदी करवाया और पार्क का रूप देना चाह रहा था, लेकिन मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, लोगों ने उस पार्क को पार्किंग बना दिया। उससे पहले कबल हम आपको बताना चाहते हैं जो नौलखा मंदिर को मैंने अपने कार्यकाल में 45 लाख रुपए से एक पार्क बनाने का टेंडर भी करवाया था और बाद में उस समय के वहां के अध्यक्ष और वहां के महंत और तत्कालीन प्रधान सचिव नगर विकास मंत्री अमृतलाल मीणा जी आए थे और उन लोगों ने जमीन देने की बात भी कही थी, लेकिन उनका शर्त था जो हम आपको मालिकाना हक नहीं देंगे। हमने कहा हमें मालिकाना हक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेगूसराय नगर निगम के जनता के लिए, बेगूसराय नगर निगम के जनता को सुविधा मिले इसके लिए मैं पार्क बनवाना चाहता हूँ, ना कि मैं ज़मीन को अपने नाम करवाना चाहता हूँ। और जब बात बनी उसी के उसका ये हम लोग एस्टीमेट बनवाए और लगभग 5 करोड़ का एस्टीमेट बना, पैसा भी आ गया, लेकिन 4 साल से पैसा पड़ा हुआ है। फिर वहाँ जो है सो कुछ विवाद करके नगर निगम उस काम को रोक दिया। बाघा में वहाँ भी 2.25 करोड़ का पैसा आया पार्क के लिए, वहाँ भी ठाकुरबाड़ी का जो ज़मीन है उस पर कुछ लोग कहे थे जो हम आपको मालिकाना हक नहीं देंगे, लेकिन आप यहाँ पार्क निर्माण कर सकते हैं, उसके लिए भी 2.25 करोड़ रुपया आया, लोगों ने विवाद। मेरे ही समय में हम आपको बताना चाहते हैं जो अपने बेगूसराय शहर का जो दिनकर कला भवन है उसके लिए भी उस समय 1.5 करोड़ रुपया आया था नगर विकास से, लेकिन नगर विकास आवास विभाग ने एक शर्त रखा था अगर ये हम पैसा खर्च करेंगे तो मालिकाना हक मेरा हो जाएगा, जिस पे जिला समिति जिसके अध्यक्ष DM हुआ होते हैं वो लोग समिति के लोगों ने आपत्ति दर्ज की जो नहीं हमारा नगर ये दिनकर भवन बने या नहीं बने हम आपको मालिकाना हक नहीं देंगे। हमने उसमें मध्यस्थता करके DM से बात करके और उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक नाटक देखने के लिए उस दिनकर कला भवन में आए थे और सम्राट चौधरी ही उस समय मंत्री थे, तो मैं उनसे सलाह लिया, उन्होंने कहा तो जब आपको नहीं लेना है मालिकाना हक तो दे दीजिए उनको, और मैंने बोर्ड की बैठक करके मैंने इस बात को लिखा जो हमें मालिकाना हक नहीं चाहिए, हम चाहते हैं जो दिनकर कला भवन दिनकर जो हमारे धरोहर हैं बेगूसराय के पहचान हैं उनकी पहचान को हम फिर से एक नया रूप दें, और वो पैसा वहाँ खर्च हुआ। तो इस तरह विवाद में ना पड़ के अगर लोग चाहेगा तो काम होगा, लेकिन अभी के जो लोग हैं उन सिर्फ उनको विवाद करना पसंद है, लोगों के काम से उनको कोई मतलब नहीं है। बेगूसराय की ट्रैफिक व्यवस्था एक चिंता का सबब बनते जा रहा है, उसके लिए कुछ उपाय आप दर्शा सकते हैं? बेगूसराय की ट्रैफिक व्यवस्था मेरे सामने में भी थी, अतिक्रमण मेरे सामने में भी था, और आज तो कुछ लोग नहीं कहते, उस समय के जो कुछ ऐसे थे नेता, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो मुझसे लड़ने के लिए आते थे, लेकिन मैं बेगूसराय के लोगों के सहयोग से, बेगूसराय के स्कूली बच्चों के सहयोग से एक उन लोगों के बीच जा जाकर उनको बताया गया जो भाई अतिक्रमण करने से मेरा ही नहीं बिगड़ेगा आपका भी बिगड़ेगा, उनके बीच एक हम लोगों ने पैदा किया जो भाई आप कम से कम सड़क चलने के लिए है इसको आप अतिक्रमित मत कीजिए, और
लोगों के सहयोग से आप आज देखिए हर हर महादेव चौक, उस समय वहाँ बालू लदे ट्रैक्टर सैकड़ों लगे हुए रहते थे और मेरे कार्यकाल में एक भी ट्रैक्टर नहीं लगा रहता था, लेकिन आज फिर आप वहाँ जाकर देखिए, क्योंकि मैंने कहा था जो मेरे नगर निगम का मुहाना है सड़क, शहर से अगर लोग NH को छोड़ते हैं तो सबसे पहले हर महादेव चौक में एंट्री करते हैं, लोगों को दिखे जो हम बेगूसराय शहर इन कर रहे हैं। वहाँ मैंने स्ट्रीट लाइट लगवाया था और आज वहाँ इतनी दुकानें हो गई है, यहाँ तक कि हमारे जो धरोहर हैं राजेंद्र बाबू की मूर्ति के पास वहाँ इस तरह दुकानें लगी रहती है और वहाँ लोग जो है सो मूत्र और ये गंदा करते हैं। तो इस तरह की जवाबदेही नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जहाँ भी लोगों के, हमने दिनकर कला भवन के सामने पेपर ब्लॉक लगवाया और सभी जितने भी वहाँ ठेले रिक्शे वाले थे सबको व्यवस्थित करवाया, लेकिन आज क्या है, जो इसको जहाँ मन है वहाँ लगा रहा है। ट्रैफिक चौक के दोनों तरफ लगते थे, बीच रोड पर ठेला लगता था, मैंने उसको भी व्यवस्थित करवाया। ट्रैफिक चौक के बगल में जो आज स्वामी विवेकानंद जी चौक हो गया है, वहाँ भी मैंने सारे दुकानदार को व्यवस्थित करवाया। उस समय JK स्कूल के सामने जो अर्ध टूटा हुआ दुकान था उसको मैंने तोड़ के उसको सही करवाया और वहाँ लोगों को मैंने ज़मीन आवंटन करवा दिया था। लेकिन आज नगर निगम की लापरवाही के कारण ना कोई देखने वाला है, इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। अतिक्रमण तो ठीक है, लोगों को जहां सुविधा मिलेगी लोग चाहेंगे जो स्टेडियम में भी हम अपना दुकान खोल लें, लेकिन हम लोगों की जिम्मेवारी है, जिला प्रशासन और ख़ास करके नगर निगम प्रशासन की जवाबदेही बनती है जो लोगों की सुविधा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं, 0/0। आपको लगता है कि जो बेगूसराय में कौन कौन सा काम तुरंत हो जाना चाहिए था नगर निगम के सौजन्य से? बेगूसराय में सबसे पहले तो अतिक्रमण जो लोगों के लिए आज कोड बन गया। अगर आप बाजार से अपने घर से निकलते हैं अस्पताल जाना है, 2 दिन पहले की बात है, मेरी ही पत्नी, वो भी वार्ड नंबर 17 के माननीय पार्षद हैं, वो अपने भतीजी को देखने के लिए डॉक्टर सम्ब्रत जी के यहाँ जा रही थी। 2 घंटे गाड़ी से तो नहीं गई, मोटरसाइकिल से घर से निकली अपने भाई के साथ, लेकिन 2 घंटे तक वो घर वहाँ नहीं पहुँच पाई, ये स्थिति था 2 दिन पहले का। अतिक्रमण हटना चाहिए। हाँ, अतिक्रमण तुरंत हटना चाहिए, इस पर तो कहीं कोई, जो अतिक्रमणकारी लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं से मजबूर हैं, व्यवस्थित करना है उनको। उनको क्या करेंगे, व्यवस्थित करना है, उनको जगह देना है। उस समय भी हम लोग जब हटाए थे एक भी आदमी, आप पूरे आज तक बेगूसराय स्टैंड में गाड़ियों का लगना भी सिस्टमेटिक नहीं हो सका, क्या करेगा लोग नगर निगम के टैक्स को पे करके? नहीं, इसके लिए जो दोषी हैं, नगर निगम 100% दोषी है, नगर निगम की जवाबदेही है, जो शहर में रहने वाले ने, शहर के में अगर हमारे कोई भी आते हैं मेहमान, जिनको हम कहते हैं अतिथि कहते हैं, उनको सारी सुख सुविधा देना है ना। लेकिन यहाँ क्या है, हम पिछले दिन देखे जो कुछ परीक्षार्थी आए, अब उनको 2 कंबल दे दिया गया, अब फेसबुक पर अपने लोगों से कह रहा है लोग जो बाप रे बाप ऐसा काम किए आज तक कोई नहीं किया। अरे ये हमारी जवाबदेही है, अगर मेरे घर में कोई आया, कोई अतिथि है, उसको हम जहाँ तक होगा सारी सुविधा देंगे। सुविधा देने के लिए सरकार इतना काम कर रही है, बेगूसराय नगर निगम को जो भी बन फरेगा, आज देखिए ना गरीब आदमी कम्बल के लिए परेशान है, अब गरीब आदमी को कम्बल नहीं मिल रहा है, एक बार कहते हैं कम्बल नगर निगम में ऐसा रूल नहीं है, फिर दूसरे दिन उस टेंडर करवा देते हैं, तो उनका क्या कहना है और वो क्या करेंगे? हमको तो नहीं लगता है, शायद उनको भी पता है, हम लोग को तो नहीं है कुछ पता रहता है, तो ऐसा ही उनका काम चल रहा है। आज तक उनके काम से शायद नहीं लगता है एक भी आदमी कोई संतुष्ट है। आज हमारे मजदूर हड़ताल किए, तो जब 6 तारीख को एक तारीख को जब हड़ताल पर गए तो 2 दिन के बाद उनका स्टेटमेंट आया, आज हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, सबको भगाएंगे, और 3 दिन के बाद फिर जो है सो उसे समझौता कर लेते हैं। या तो वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं, कहे तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, अन्य फिर मजदूर मेरे घर के हैं, इस तरह की रोज चिट्ठी आया सरकार को, 1985 से चिट्ठी आ रहा है, कोई पहली बार चिट्ठी नहीं आया, और इस तरह की चिट्ठी आ रहा है, पत्र आ रहा है, और उस पत्र के काम मजदूर कर रहा है, आज तक किसी का एक पैसा नहीं कटा कोई पदाधिकारी पर, न किसी मजदूर को हटाया गया, लेकिन पहली बार है जो सब मजदूर को कहा गया जो तुम मेरा मजदूर नहीं है, तुम मेरे, वो मेरे घर का, वो मेरा परिवार है, उसके दुख सुख को हमको देखना है, उसका कैसे भविष्य सुधरेगा उस पर हमको बात करना है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे पूर्व मेयर संजय सिंह, जो
बात बता रहे थे बेगूसराय की विकास को लेकर के, नगर निगम के द्वारा जो विकास होने चाहिए उस विकास के कामों को के विषय में जो बातचीत हो रही थी आप देखे हैं। मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताता हूँ कि बेगूसराय बिहार की एकमात्र औद्योगिक नगरी है और इस नगर में ना तो ट्रैफिक की सही व्यवस्था है, ना ही बस स्टैंड में गाड़ियों का सही ढंग से रखरखाव होता है, और जो व्यवहार खास करके दूर से आए हुए लोगों के साथ जो बस अड्डों में होती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है बेगूसराय सिटी को असंतोषजनक असंतुलित करने का। दूसरी चीज कि यहाँ जो VIP लोग आते हैं उनके लिए गेस्ट हाउस हैं, लेकिन जो गरीब गांव से चल करके इलाज कराने के वास्ते चार चार जिला से, छः छः जिला से चल करके अपने मरीज के साथ आते हैं, उनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और इसकी मांग BT News बिहार बेगूसराय टुडे पूरे दमखम से करती है।